नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं अलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी के सेवा में हाजिर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष सूचना लेके आपके सामने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जिस आयोग की बात कर रहे हैं, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, पीछे बैनर भी देख रहे होंगे कि UP SSC जो शासन के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। कई बार क्या होता है कि जो बोर्ड बनाए जाते हैं, भर्ती बोर्ड बनाए जाते हैं, वो स्वायत्त बनाए जाते हैं कि उन्हें अपने निर्णय लेने का, उन्हें अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का खुद से एक पावर दी जाती है। लेकिन अधीनस्थ खुद से ही इतना अधीनस्थ साबित हो रहा है कि वो शासन के अंतर्गत उससे बाहर एक भी चीज़ कर नहीं पा रहा है। और शासन ने, जैसा कि आप, मैं बता दूं कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लेखपाल की परीक्षा पिछले 2 साल से आ रही है, नहीं आ रही है, आई तो उसकी डेट कब आई, और उसके बाद अभी कल एक नोटिस जारी हुआ कि भैया जो पेपर 19 जून को होना था वो पेपर भी 19 जून को ना होते हुए अब 24 जुलाई को कराया जाएगा। जो पेपर LDA UDA सप्लाई इंस्पेक्टर का लेखपाल के बाद होना था वो पेपर लेखपाल के पहले कराया जा रहा है। पहले 29 जून को कराया जाना था और अब वो 17 जुलाई को ही कराया जा रहा है। तो इतना आयोग में देखा जाए तो इतने इनडिसिप्लिन क्यों हो रही है अधीनस्थ में, क्यों इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। कहने को बोलते हैं कि आयोग के सभी टीमें इस पे लगी हुई हैं, सभी लोग इस पे लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आयोग के पास केवल 2 टीमें हैं। एक टीम एक कैलेंडर बना रहा है और डेट निकाल रहा है एग्ज़ाम की, और दूसरी टीम उस कैलेंडर को निरस्त कर रहा है, उस एग्ज़ाम को निरस्त कर रहा है, आगे डेट पोस्टपोन कर रहा है। केवल 2 ही यहाँ पर टीमें काम कर रही हैं, प्रतीत तो यही हो रहा है। हालांकि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है और मिलती रहेगी। चीज़ें बहुत ही आगे अच्छी होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं UP SSC शासन के मकड़ जाल में, तो शासन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इन्होंने चलते चलते सरकार, योगी सरकार ने एक बात बोल दी थी कि हर 100 दिन पर 10,000 सरकारी नौकरी देने की बात किए थे। एक तो रोजगार होता है, रोजगार में तो वो किसी को भी काउंट कर लेते हैं, वो चाहे फिर सरकारी हो या फिर कहीं वो ऐसे ही लगा ले कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकाल देते हैं, या वो वैसे ही भर्ती कर लेते हैं, ठीक है, जैसे सहायक पंचायत वाले की बात कर रहे हैं, तो उनको तो बस रोजगार की बात है, वो काउंट कराते हैं और काउंट कराने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बोला कि 100 दिन में 10,000 वो नौकरी देंगे, और उस 10,000 को पूरा करने के लिए शासन का अधीनस्थ पे साफ साफ आदेश ये है कि भैया ये जो 9,212 जो पोस्ट है, 9,212 पोस्ट है ANM की, ये पहली होनी चाहिए ताकि हमारे आंकड़ों में 10,000 पहले आए। इस कारण से पूरे के पूरे आयोग के जितने लोग हैं वो ANM की DBPST कराने वाले हैं। बहुत ही विडंबना ही कही जाएगी, जूनियर असिस्टेंट 2019 की वैकेंसी, 2019 अभी वर्ष चल रहा है 2022, हालांकि ऐसे अधीनस्थ के बहुत कारनामे हैं, 2016 की वैकेंसी का रिजल्ट आज भी नहीं आया है, लेकिन 2019 के जूनियर असिस्टेंट की बात कर लिया जाए, उसके जब DV की बात आई तब आपने उसके DV 4 महीने में कराया, जबकि वहाँ पे मात्र 6,000 बच्चे थे। यहाँ पे 17,000 बच्चों का DBPST कराया जाना है, और आप 9 जून से लेके 18 जून, मतलब कायदे से 9 से 10 दिन में आप सारा का सारा DBPST करा लोगे। तो ये फिर आपकी इतनी द्रुत गति कहाँ से मिल जाती है, और अगर यहाँ पे बहुत तेज स्पीड आपको मिल जाती है तो फिर जूनियर असिस्टेंट जैसी परीक्षा में क्यों नहीं मिल पाती है, जहाँ पे 4 महीने आपको DBPST कराने में लग गए। या जूनियर असिस्टेंट 2016 की बात कर ले, 16, 4 और 2, 6 साल बाद भी आप उनका रिजल्ट नहीं दे रहे हो। हालांकि जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट फिर से चेयरमैन महोदय बोले हैं कि इस वीक, इस सप्ताह, यानी कि इसी 2-3 दिन में आ जाने की पूर्ण संभावना है। अब देखते हैं उनकी बात कहां तक सत्य होती है, लेकिन एक बात सत्य है कि जो शासन है वो पूरा अधीनस्थ पे अपना बहुत बहुत बेतुकी तरीके से पूरा पंजे जमाया हुआ है, और इसके ही चलते लेखपाल की परीक्षा भी टली है। अब लेखपाल की परीक्षा पहले 19 जून को होनी थी, लेकिन उन्हें 100 दिन में 10,000 रोजगार दिखाना है, तो वो जानते हैं कि लेखपाल अभी 8,000 वो कराएंगे, एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा लेट ले गए, 1 महीना और पोस्टपोन किए, ताकि उनके फिगर में कि हाँ आयोग काम कर रहा है। भाई नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको लगता रहेगा आयोग में कुछ चल रहा है, लेकिन वो चल क्या रहा है, आप क्योंकि केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, और यही अधीनस्थ हमेशा करता आया है। सप्लाई इंस्पेक्टर की कट ऑफ कब होगी, सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे दिन पर कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, सर सप्लाई इंस्पेक्टर में क्या कट ऑफ जाएगी, कितने परसेंटाइल वाले बैठेंगे।
तो ये बहुत ही गंदी सी बात है कि जिस बच्चे को एग्ज़ाम देना है उसको एक महीने पहले भी ना पता चले कि भैया हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेखपाल परीक्षा में भी यही हुआ, करीबन एक महीना पहले पता चला कि हाँ ये बच्चे बैठ सकते हैं ये बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। सेम आप ऐसे कर रहे हो, और अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई तैयारी करने वाला बच्चा अपना आत्मविश्वास बनाए रह पाएगा। उसे लास्ट तक पता नहीं रहेगा कि मैं बैठ पाऊँगा या नहीं बैठ पाऊँगा, और इस उहापोह की स्थिति में कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो इसकी कट ऑफ मैं बता दूं कि कब तक होना है, तो इतना आप समझो कि 20 जून के आसपास ये पता चल पाएगा कि कौन बच्चा सप्लाई इंस्पेक्टर के इसमें बैठ पाएगा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे करीबन 50 गुना से ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे और कट ऑफ भी इसकी बहुत हाई जाएगी, 95-96% के नीचे वाले एक बार दूसरा विकल्प जरूर देख लें, लेकिन फिर भी होपफुल रहें। इससे नीचे वाले तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा कहा हुआ जरूरी नहीं कि सत्य हो, आयोग है, पता नहीं उसकी चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो यही जताई जा रही हैं। वीडियो और एग्ज़ाम की चर्चा कर ले, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है। क्यों राजनीति हो रही है, 2018 में ये वैकेंसी आई, उसके बाद देखा जाए पेपर हुआ, पेपर को फिर से कैंसिल किया गया, अब एक बार शासन वहाँ पे केस कर रहा है, एक बार अभ्यर्थी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो चीटिंग किए गए वहाँ पे पाया गया, इसके चलते वीडियो को कैंसिल किया गया, एग्ज़ाम का प्रस्तावना शासन ने भेजा। लेकिन जब वो प्रस्ताव को भी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं सेलेक्ट हुए थे, अब 2000 बच्चे जो 1900 समथिंग बच्चे सेलेक्ट होते थे, सभी तो चीटर नहीं थे, तो उनका भी कहना वाजिब था कि भाई हम अगर मेहनत करके हुए हैं तो इस एग्ज़ाम को कैंसिल ना किया जाए, जो चीट करके आए हैं उन्हें निकाला जाए, और इस पर स्टे लगा है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, कोई और आयोग होता तो शायद शासन की बात गलत ठहरा दी जाती, लेकिन ये अधीनस्थ है तो शासन ने एक बार री एग्ज़ाम का फरमान जारी कर दिया था, तो री एग्ज़ाम होगा। कब होगा, अभी सितंबर तक कुछ नहीं उम्मीद है, लेकिन अक्टूबर नवंबर महीने में वीडियो का अगर यहाँ पे जो अभी सुनवाई हो सकती है, और उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम का डेट आएगा वो अक्टूबर नवंबर महीने में आ जाएगा। अपनी तैयारी जारी रखो, फिर से ये एक ऐसी अंतिम परीक्षा होगी जो जिसमें पीटी नहीं लगेगा, ये बात भी है, इतना आप दिमाग में रखना। इसके बाद और अब से सारे बाद में जितने भी हैं वो सारे पीटी के अंतर्गत ही आएंगे। तो पीईटी बहुत ज़बरदस्त खेल बन चुका है PSSSC आयोग का, और पीटी के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात समझना। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC बैंक या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड आयोग की तैयारी कर रहे हो, या कहीं भी तैयारी NTPC रेलवे टाइप में कर रहे हो, बट अगर आपको उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ का कोई भी एग्जाम देना है तो पीटी में बहुत अच्छी खासी परसेंटाइल चाहिए, और अपने आपको 90% के अंतर्गत लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस बार तो बहुत सारे ऐसी वैकेंसी हैं जैसे ANM हो गई, जैसे लेखपाल हो गई, क्योंकि इसमें वैकेंसीज की संख्या ज़्यादा थी, अब शायद इतनी संख्या में वैकेंसी आपको बल्क में अधीनस्थ के द्वारा ना देखने को मिले, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए पीटी के लिए अभी से लग जाइए, इसका बैच भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं, परीक्षा प्लस ऐप पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2016 के रिजल्ट की बात किया था, चेयरमैन महोदय ने ये बता दिया है कि इसी सप्ताह जो प्रेजेंटली चल रहा है, ठीक है, आज बृहस्पतिवार है, शुक्र आज तो बहुत कम चांस है, लेकिन कल या परसों में इसका रिजल्ट आ सकता है, और कल परसों में नहीं आया तो अगले वीक के मंडे या ट्यूसडे में कंफर्म आने की चांसेस हैं। फिर भी टाला जा रहा है तो फिर से टाला जा सकता है, लेकिन 99% इस बार तय है कि रिजल्ट आ जाएगा, होपफुल आप रहिए। रही बात पीटी की, तो पीटी की तैयारी बहुत जम के करिए, पीटी ही आपका वो दरवाजा है जो आपको अन्य परीक्षा में बैठने के लिए, आप इसे यकीन मानो या ना मानो बट यही सत्य है, और इसे आप कोई टाल नहीं सकता है। कहीं ना कहीं तानाशाही भी है, तानाशाही शासन का है, और शासन में इस समय योगी सरकार है, तो वो ऑलरेडी मैं शब्द नहीं प्रयोग करूंगा उनके लिए, बट ये आप बात आप भी समझते हो कि जो वो चाहते हैं महोदय वही करेंगे, इसलिए अपनी पढ़ाई बरकरार रखो, पीटी में आज ही से जुट जाओ। आने वाले कुछ जरूरी बात ये थी मैं आपको बता दूं कि 5 जून को 10 PM पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट टीम परीक्षा प्लस आपके लिए लेके आई है, ये छात्रों के नाम है, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलने वाली हैं, आपको बता दूं बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज आपके लिए हैं। टीम एक नई ऊर्जा के साथ आपके साथ लगने वाली है, पिछले 1-1.5 महीने में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि चीज़ें थोड़ा सा होल्ड थी, थोड़ा सा रुकी हुई थी, थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन इसमें एक नई ऊर्जा भर के आपके हित में बहुत सारी चीज़ एक साथ टीम परीक्षा प्लस लेके आ रही है, पूरी जी जान के साथ आपके लिए एक नया ही अनुभव होगा, तैयारी करने का एक नया ही तरीका होगा, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे, आप अपने इस फील्ड में अपने सपनों को साकार कर पाओगे। मैं इतना बता दूं कि अभी आने वाले किस परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हो, तो आपके पास
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले तो UP SSSC आता है। UP SSSC में जो वैकेंसीज फिक्स हैं आने के लिए, बाकी लेखपाल AGTH की डेट निर्धारित है, लेकिन अभी जो है वो PET सबसे पहले परीक्षा होगी। उससे पहले एक इसी में मंथ में नई विज्ञप्ति आएगी, नई एग्जाम का वो होगा बाल पुस्ताहार, और उसके बाद फिर AGT और जूनियर असिस्टेंट, ये पद आपके अधीन से कन्फर्म आने हैं। हो सकता है 15-20 दिन, 1 महीने लेट हो, लेकिन आएंगे जरूर। पुलिस भर्ती बोर्ड से कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, UPSI ASI और कांस्टेबल की भर्ती, जिसके पोस्ट भी बढ़ रहे हैं, ये आपकी कंफर्म है आने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी कुछ भी नहीं पता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, ग्रुप सीडी पे बात चल रही है। या अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज की, ठीक है, उसके बाद अगर आपका आ सकता है शिक्षक भर्ती में देखा जाए, तो सर्वप्रथम जो वैकेंसी आएगी वो TGT PGT की आएगी। सुपर टेट में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आएगी वो लास्ट तक, या हो सकता है 2023 के पहले महीने में आए, बट इस साल थोड़ा सा लेट में जाएगा। बट TGT PGT और UPSC की LT ग्रेड, ये 3 वैकेंसियाँ कन्फर्म है। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो TGT PGT LT ग्रेड में आप लग जाओ। अगर आप पुलिस भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो UPSI ASI कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, कांस्टेबल की भर्ती में लग जाओ। अगर आप UP SSSC के एग्जाम में इंटरेस्टेड हो तो आप लेखपाल और सप्लाई इंस्पेक्टर के बाद बाल पुस्ताहार है आपके पास, PET है इधर अन्य वैकेंसीज के लिए, और उसके बाद आपका AGTA और जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ, लेकिन ये अंतिम वीडियो नहीं है। ये इस महीने से लेके इस टीम की एक नई ऊर्जा का एक कहीं ना कहीं एक स्रोत है, जो आप समझ सकते हो कि अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे हर चीज पे, छोटी छोटी बात भी आप तक पहुंचाई जाएगी। पढ़ाई के मामले में भी बहुत अच्छा, वैसे हमने पेट कोर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आप जानते ही हो, लेकिन और भी अब उस चीज को पब्लिकली भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का।